हेलो बट इंडियन, दिस इज योर मान मोन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर बट इंडियन। आपके मैं चैनल फिर स्वागत है। और गाइस, थंबनेल और टाइटल देख के तो समझ गए होंगे कि आज का जो वीडियो है वो किस टॉपिक पे होने वाला है। जी हाँ, आज का वीडियो होने वाला है ब्यूटीफुल रियल मी वॉच पर, स्मार्ट वॉच पर। जी हाँ, रियल मी स्मार्ट वॉच, जो कि इनका जो पहला ये लॉन्च है। और इसी लॉन्च के साथ उन्होंने बाकी स्मार्ट वॉचों को अच्छे से टक्कर दी है। तो आइए इस वीडियो से हम उसके अनबॉक्सिंग भी करते हैं और साथ ही साथ रिव्यू भी करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं जो इस रियल मी वॉच को बाकी स्मार्ट वॉचों से आपको बेटर जो कि ऑप्शन देती हैं, फीचर्स देती हैं, और क्यों ये रियल मी वॉच आपको परचेज करना चाहिए और क्यों ये बाकी स्मार्ट वॉचों से बेटर है। तो पहले देखते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो गाइस, ये मैंने परचेज किया है फ्लिपकार्ट से। तो अभी सबसे पहले इसके फ्लिपकार्ट बॉक्स की है जो अनबॉक्सिंग कर देते हैं। इस तरह से कुछ देखिए, तो इसे रखते हैं साइड में। तो ये रहा ब्यूटीफुल रियलमी वॉच, आप देख सकते हैं। बहुत ही ऑसम लग रहा है, स्पेशली ये येलो ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है। और ये बॉक्स की जो यू नो डायमेंशन है, बिल्कुल जैसे ओप्पो या एप्पल वॉच की आती है उसी तरह से किया है। बिल्कुल यू नो हाइट इसकी लेंथ में रखा हुआ है, पोर्ट्रेट में रखा हुआ है इसको बिल्कुल। तो चलिए आगे इसकी शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग। तो सबसे पहले तो बॉक्स में देख लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो इसका चार्जिंग है, पोर्ट है, उसका जो है पिक दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं लार्ज कलर डिस्प्ले, वॉच ट्रैप रिप्लेसमेंट, डेली एक्टिविटी ट्रैकिंग, SPO2 मॉनिटर। जी हाँ, SPO2 मॉनिटर, ये भी मैं आपको जरूर बताऊंगा आगे वीडियो में। 24/7 हार्ट रेट मॉनिटर, 14 स्पोर्ट मोड्स हैं यहाँ पर कस्टमर के और रियलमी वॉच के कुछ जो कि MRP है। यहाँ पे देख रखे हैं कि यहाँ पे MRP 6999 है। जी हाँ, कुछ 7000 के नियर अबाउट इसके MRP है। और बाकी कस्टमर केयर के इनके कुछ एड्रेसेस वगैरह दिए हुए हैं। तो चलिए अब आगे इनकी है जो कि अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। मुझे हमेशा से ना ये अनबॉक्सिंग करना यार बड़ा ही ऑकवर्ड सा लगता है। मुझे डर लगता है कि कहीं मैं कहीं गलत से इसको कहीं स्क्रैच ना डाल दूँ इसमें, बट इसका एक मज़ा भी अलग सा होता है। तो ये रैपर मैंने ऐसे हटा दिया है। अब शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग। वाओ, तो गाइस ये देख सकते हैं आप, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो सबसे पहले तो वॉच को है जो कि साइड रख देते हैं। अब देखते हैं कि बॉक्स के इनसाइड और क्या क्या देखने को मिलता है। तो गाइस, ये है इसका चार्जिंग पॉइंट और ये मैग्नेटिक है। इस तरह से ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से मैग्नेटिक चार्जिंग पॉइंट है। आपको बस जस्ट यहाँ पर ऐसे होल्ड रखना है और ये केबल आप किसी भी अपने चार्जर से यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बता दूँ कि इस तरह के चार्ज जो होते हैं वो काफ़ी ही यू नो आई थिंक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा होता है, मुझे अच्छा लगता है। और अब मैं देख सकता हूँ कि मेरी जो दूसरी वॉच है मेरी स्विट में, वहाँ पे मुझे वो यू नो कि उसमें पूरा के इस तरह से अटैच करना पड़ता है, तो कई बार मुझे लगता है कि कहीं स्क्रैच ना पड़ जाए, बट ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। ये देख सकते हैं बिल्कुल आराम से यहाँ पे मैग्नेटिक टच हो गया। और इसके अलावा यहाँ पर ऑलवेज की तरह कुछ बुकलेट्स हैं
जो आई थिंक शायद ही कोई पढ़ता हो। तो चलिए इन सब को अब कर देते हैं साइड, मेन अभी वॉच पर आते हैं। तो वॉच को करते हैं स्टार्ट और दिखाता हूँ कि क्या क्या फीचर्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो गाइस अभी इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। यहाँ पर ही आप देख सकते हैं इसका ये बटन है, यहाँ को क्लिक करने से इसकी स्क्रीन ऑन रहती है। और पीछे आप देखिए इस तरह से सेंसर ब्लिंक कर रहे हैं। और अगर मैं इस साइड पे जाऊँ तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे ब्राइटनेस करने के लिए और ये आपके बैटरी के लिए, ये कुछ मोड्स हैं आपके किस मोड पर आपको कितनी ब्राइटनेस चाहिए। और फिर से यहाँ भी बैक करने से आप ऊपर जाते देखिए वर्कआउट का SPO2 का ऑप्शन आ गया जो आपके ऑक्सीजन मॉनिटर करता है, हार्ट रेट आ गया, एक्टिवेट रिकॉर्ड्स आ गए कितने आपने जो एक्टिवेट की उसके क्या सारे रिकॉर्ड्स आएंगे, स्लीप म्यूजिक कंट्रोल ऑप्शन आएगा यहाँ पर। फिर से बैक जाइए, यहाँ पर आपका कैमरा का ऑप्शन आएगा जहाँ पर आप मैंने बताया था कि कैमरा के शटर को क्लिक कर सकते हैं यहाँ से। और फाइंड माई फोन का ऑप्शन है और मेडिटेशन का ऑप्शन है, यहाँ पर अलार्म है, स्टॉप वॉच है, वेदर है। सेटिंग्स में जाइए, देखिए सेटिंग्स में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि कस्टमर जो ऑप्शन है यहाँ पर है मेरे ख्याल से, जी हाँ कस्टमर में जाकर आपको यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन देखने को मिलेगा, टाइम सेटिंग का ऑप्शन मिलेगी और भी कुछ वेक स्क्रीन ऑन रिस्ट वॉच भी इस तरह से कुछ ऑप्शंस हैं। बैक जाइए यहाँ पर, यहाँ पर जर्नल आ गया, जर्नल में क्लिक करने से आपको देखिए डिस्प्ले ने ब्राइटनेस आ गया, वाइब्रेशन इंटेंसिटी पावर सिंक मोड के ऑप्शन आ रहे हैं। इसके अलावा सिस्टम में जाएंगे आप, सिस्टम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रीस्टार्ट, पावर ऑफ, रीसेट, रेगुलेटरी, तो ये काफ़ी चीज़ अच्छी लग रही है मुझे। तो ये सिस्टम में जाकर आप अपने अगर आप यूज़ करना नहीं चाहते तो यहाँ पे आप अपने पावर ऑफ कर सकते हैं और अगर आपको कुछ दिक्कत आती है तो आप रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगी। अबाउट में आप देख रहे कि यहाँ पर आपको है जो कि सॉफ्टवेयर वर्जन है यहाँ पर पूरा देखने के लिए देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरह से ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। अगर ऊपर से मैं देखूँ तो यहाँ पर आप अपने अगर ऊपर से अगर क्लिक करूँ तो यहाँ पे आपको जो मैसेज वगैरह आएंगे उसके नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेदर जो कि क्लियर नाइट कितना है आपको टेम्परेचर बता रहा है, तो ये चीज़ भी काफ़ी अच्छी लगी है। तो ओवरऑल ये सब चीज़ें अच्छी है। और इसमें जो कंपनी के एंड से आपको कुछ वॉचेस फेस देखने को मिलेंगे वो जो आपके है जो ऐप आपने जो रियलमी लिंक किया है उसमें आपको देखने को मिलेंगे, तो आप अपने यहाँ पे वॉचेस फेस भी बदल चेंज कर सकते हैं। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वेलकम बैक गाइज, अनबॉक्सिंग आपने देख लिया, अब बारी है इसके वर्डिक्ट की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की, डिज़ाइन की। और बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन की बात करूँ तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है वॉच की, काफ़ी प्यारी लग रही है। और साइड में आप देख रहे हैं कि ग्लॉसी इस तरह से आप देखने को मिलेगा, टच मिलेगा ग्लॉसी का। और जो इसके जो स्क्रीन है वो आपको गोरिल्ला ग्लास 3 के साथ सेफ्टी के साथ मिलेगा। और ओवरऑल ये बहुत ही अच्छी वॉच है डिज़ाइन के मामले में। अगर मैं बात करूँ स्ट्रैप की तो मुझे थर्ड क्लास लगी है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है। अगर मैं अमेज़फिट की बात करूँ स्ट्रैप की, अगर मैं ऑनलाइन स्ट्रैप जो अगर मैं परचेज करूँ तो उनकी क्वालिटी भी इससे बेटर होती है, ये क्वालिटी मुझे बिल्कुल थर्ड क्लास लगी है। और जैसे कि अगर मैं बताऊँ आपको कि इसे जैसे मैंने रिस्ट पर जैसे बांधने की कोशिश की तो वहाँ पर मुझे फील नहीं आया, काफ़ी ही लो क्लास या थर्ड क्लास वाली वो फीलिंग जैसे जैसे नॉर्मल हम लेते हैं ना 100-200 रुपीज़ वाली। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ स्ट्रैप की तो मैं इससे अनसेटिस्फाइड
सैटिस्फाइड हूँ। वॉच बहुत बेटर है, लेकिन स्ट्रैप के मामले में यहाँ पे डिसअपॉइंटेड हुआ मैं। अगर इसमें फीचर्स की बात करूं तो जैसे कि इसकी जो स्क्रीन है वो आपको 1.4 इंच की स्क्रीन मिलेगी, साथ में 320x325 पिक्सल के साथ, और ये आपको है पूरी एलसीडी में मिलेगी। और अगर मैं बात करूं इसके और फीचर्स में, तो इसमें आपको SPO2 की जो है फीचर मिलेगा, जैसे मैंने आपको बताया था SPO2 फीचर जो आपके ऑक्सीजन रेट को जो कवर अप करेगा वो आपको बताएगा। इसमें और भी सारे सेंसर्स हैं, जैसे आपके वो हार्ट रेट मॉनिटर करेगा, और बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो मैं आपने इस वीडियो में आप ऑलरेडी देख चुके हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो SPO2 इसमें एक नया फीचर है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, जिससे आप जो कि अपने ऑक्सीजन रेट को मॉनिटर कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको जो कैमरे एक शटर के साथ क्लिक कर सकते हैं आप अपने इस वॉच से, आप अपने अगर आपने टाइमर के बजाय अगर आप इस तरह से आपका कैमरा आपके फ्रंट में, तो आप अपनी यहाँ घड़ी से आप उसे क्लिक कर सकते हैं, फोटो क्लिक कर सकते हैं, म्यूजिक को आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये तो जो चीज़ें हैं मुझे काफ़ी अच्छी लगी इस प्राइसिंग में। इसके अलावा 14 स्पोर्ट्स अलग अलग आपको इसमें जो कि मोड्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप अगर मैं बात करूं इसकी बैटरी बैकअप की, तो 160 mAh की बैटरी के साथ आपको ये 7 डेज का है जो कंपनी क्लेम करती है। मैक्सिमम उसमें आई थिंक अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करें तो 5 to 6 डेज आपका आसानी से इसमें निकल जाएगा। और अगर बात करूं तो मैं ये 5.0 ब्लेड्स के साथ आपको देखने मिलेगा। 5 ATM यानी कि वाटर स्वेट रेसिस्टेंट है, आप स्विमिंग करते वक्त इसको 5 मीटर तक आप हैं जो कि डेप्थ तक ले जा सकते हैं। ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, और पूरी तरह वाटर रेजिस्टेंट है ये, स्वेट रेजिस्टेंट है, और काफ़ी अच्छे फीचर्स है इसमें। अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल इसकी जो परफॉर्मेंस की, तो मैंने इस वॉच को परचेज करने से पहले अपने फ्रेंड का एक जो है रियलमी का वॉच मैंने है जो कि परफॉर्मेंस किया हैज यूज़ किया था 1-2 डे, तो मुझे इसकी परफॉर्मेंस की बात करूँ तो मुझे ठीक लगा। अगर मैं कंपेयर करूँ अमेज़फिट से, तो उसका भी एक मैं रिव्यू वीडियो जरूर बनाऊंगा, जहाँ पर मैं बताऊंगा कि क्यों मुझे रियलमी अमेज़फिट से बेटर नहीं लगा। मैं बता अब प्लीज ध्यान से सुनिए, क्यों नहीं लगा है उसके काफी सारे रीजंस हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं इस प्राइसिंग में रियल मी वॉच की, तो इस प्राइसिंग में रियल मी वॉच परफेक्ट बैठता है। अगर मैं बात करूं अमेज़फिट के साथ तो बिल्कुल भी कंपेयर तो हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी कंपेरिजन में वीडियो जरूर बनाऊंगा। काफी मुझे मैसेज आ रहे थे कि मैं अमेज़फिट का और रियल मी का एक कंपेरिजन वीडियो बनाऊं, तो उस विषय में मैं जरूर बनाऊंगा। बट अगर मैं बात करूं इस वॉच की, तो ओवरऑल ये वॉच इस प्राइस में आपको एक परफेक्ट है जो कि फीचर्स के साथ देखने को मिलेगा। स्ट्रैप से थोड़ा सा मैं अनसेटिस्फाइड हूँ, ओवरऑल ये वॉच है जो कि आप परचेज कर सकते हैं। और इसी साथ ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर नए हैं दोनों ही सूरत में आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबा दें ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की अपडेशन आपको रेगुलर बेसिस में मिलते रहे। इस तरह मोटो याद रखें, फिर लाइफ का लिव योर लाइफ विद योर स्टाइल एंड विद योर एटीट्यूड। तब तक लिए जय हिंद।